शासन द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस बैन की गई है और फिर उसको रिलैक्स भी किया गया है। तो रूल्स हाँ के अकॉर्डिंग भी होता है, वो कई बार वो बैन कर देते हैं और कई बार वो रिलैक्स कर देते हैं। और अगर रिलैक्स किया हुआ है तो वो जायज है, कर सकते हैं, और नहीं है अगर जी बैन हाँ किया हुआ है तो हाँ आप। तो मैं लेकिन उसी सर स्पष्ट तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट नोडल ऑफिसर्स, CMHO और आपके जो पढ़ाने HODs होते हैं, जो बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स के HODs होते हैं, इनको रिलीफ ज्यादातर नहीं दिया गया है। और सेंट्रल की पॉलिसीज में तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एम्स वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, उसमें तो लगभग पूर्णतया ही बैन है। बंद है। मतलब जो नॉर्मल हाँ डॉक्टर्स भी होते हैं उनके ऊपर टोटल बैन है कि हाँ आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ नहीं लेकिन करते। जो मेडिकल काउंसिल का जो एथिक्स है वो ये बोलता है कि एक जो उनको रिलीफ देता है, बस वो मेडिकल काउंसिल का एक एथिक्स देता है कि अगर आपके पास कोई मेरा मजबूर या कोई पेशेंट आ जाता है किसी मजबूर मतलब ऐसी कंडीशंस में जब उसमें आप उसकी मदद कर सकते हैं तो की जा सकती है, लेकिन उसमें आप चार्जेस नहीं लेंगे और उसकी जानकारी अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर को देंगे कि आपने ऐसा किया है। अगर उस आपने ये चीज कर ली है तो आपको छूट मिल सकती है। सर इसमें चलिए हाँ जी, इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी कृपया आप भी थोड़ा इनपुट अपना दे दें। जी सर, बेसिकली ये डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी सेवाएं कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं और हेल्थ सर्विसेज हैं, जो DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि बताया देवेंद्र जी ने, एम्स, BHU, इनके रूल क्लियर हैं कि आपको प्रैक्टिस करने की छूट नहीं है और आपको उसके एवज में आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, गैर व्यावसायिक भत्ता दिया जाता है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सैलरी है उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो सरकारें ऐसा इम्पोज करते हैं कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, वो आपको अलग से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देती हैं। जैसे कि अपने केंद्र सरकार की सेवाएं हो गई, आपके उत्तर प्रदेश में हो गए, उत्तर प्रदेश में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां के डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते और उसके एवरेज में वो NPA लेते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस लेते हैं। जो आपके MP में, जहां तक मुझे जानकारी है, MP में दो तरीके के विभाग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया जो CMHO होता है जो पिछली बार मैंने बताया था, और दूसरा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो गए। दोनों के अपने सर्विसेज के रूल्स टर्म्स अलग अलग हैं। जो CMHO या जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स है वहां के डॉक्टर भी और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर भी अपने मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस नहीं ले रहे हैं। अब मैं डॉक्टर हूं मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में, और मैं अगर अपने कॉलेज को लिख के देता हूं कि मैं बाहर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं और ये जानकारी मैं अपने हेड को दूंगा, मतलब डीन को दूंगा, तो वहां से मुझे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ उसमें पैसे मिलते हैं, समथिंग अलाउंसेस, और वो मैं अलाउंसेस ले रहा हूं तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं। और अगर मैं अलाउंसेस नहीं ले रहा हूं तो रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे है कि मैं अपने अस्पताल के अतिरिक्त तो जो समय है उसमें मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो भी प्रशासनिक पद पे लोग होते हैं, जैसे हमारे डीन हो गए, अधीक्षक हो गए, जैसे मेडिकल कॉलेज में बात करें, जैसे देवेंद्र जी ने बताया, जो अस्पताल के अधिष्ठाता हो गए और अधीक्षक हो गए, ये केवल दो ही पद हैं जो प्रशासनिक पद चिन्हित किए गए हैं, और ये अगर हैं तो इनको प्रैक्टिस नहीं करना होता है, इनको इसके एवरेज में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंसेस मिलते जी हैं। पर अधिकांश ये देखा गया है जी जी हमारे यहाँ, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या जो भी हैं, सब जगह प्रभारी रहते हैं, प्रभारी अधीक्षक हो गए, प्रभारी डीन हो गए, तो जब वो प्रभारी रहते हैं तो उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंसेस मिलते नहीं है। तो उस कंडीशन में जो डीन है, कई बार आप हमारे यहाँ डीन प्रभारी हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो पद भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं और अलग अलग सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रेगुलेशन लिए गए हैं कि कितनी प्रैक्टिस करनी है कितनी नहीं करनी मैं है। इसमें एक खास बात जो अभी लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी सर। 14 अक्टूबर को